ये देखिए आज हमारी मशीन ना क्लीन हो रही है, क्योंकि ना ये कपड़े बहुत गंदे वॉश कर रही है, मतलब गंदे गंदे निकल रहे हैं, स्पॉट से निकल रहे हैं, तो इसको टब क्लीन करने को, टब को क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये देखिए ऑप्शन भी आ रहा है ना, ये टब क्लीनिंग का, ये इस तरह से टब क्लीन होता है। और इसमें मैंने ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने इसमें ना क्लीनर आता है वो डाल दिया है, गर्म पानी डाला है, अब ये पूरा भर जाएगा और उसके बाद इसको आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये टाइम आ रहा है ना, मतलब इतना टाइम तो इस पर दिखा रहा है, और लगभग आधे घंटे से ये चालू है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से इसमें भी ये पानी होगा, फिर ये गर्म पानी है ना तो ये ऑटोमेटिक क्लीन करेगी, और तब हमारे जो कपड़े हैं ना वो अच्छे से वॉश होंगे। अभी बहुत गंदे वॉश कर रही है कपड़े, दिखाऊँ आपको, कपड़े दिखाती हूँ मैं जो कि काफ़ी गंदे वॉश किए हैं इसने। ये देखिए ये देखिए, ये इस तरह से कितने गंदे वॉश किए हैं, और ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत गंदे वॉश करे हैं ये सारे कपड़े, इस तरह से गंदे। ये देखिए पूरे में स्पॉट लग रहे हैं ये गंदगी के, जब ये गंदी हो जाती है ना तो ये इस तरह से देखिए पूरे में गंदगी हो रही है। और ऐसे ये कपड़े में भी इसी तरह से स्पॉट लग रहे हैं, इन कपड़ों में भी ऐसे ही स्पॉट लग रहे हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वैसे लग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, अभी इसको मैंने 2 दिन पहले मशीन लगाई थी ना, तब क्लीन, मतलब तब ये कपड़े क्लीन किए थे, अब मैं इसको आज फोल्ड करने लगी तो देखा तो सारे कपड़े गंदे थे, तो इसलिए मेरे पास वो पड़ी हुई था, जो क्लीनर होता है ना वो पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसलिए इसको क्लीन करने लगा दिया है। अभी लगभग 2-2.5 घंटा ले लेगी क्लीन होने में, 2-2.5 घंटा ले लेगी अभी क्लीन होने में। इसलिए देखिए अभी तो इसमें पानी स्टोर ले, पानी ले रही है, तो बस क्लीन हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, देखती हूँ आज कपड़े वॉश करूँगी तो आज करूँगी। ये देखिए चलने लग गई, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ये इसी तरह से क्लीन करती है, तो बस इसको क्लीन होने देते हैं जब तक अपन अपने और काम कर लेते हैं। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, नहा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए बस मशीन जो है लगाने के बाद मैं यहाँ बर्तन अपने क्लीन करने आ चुकी हूँ, और बर्तन क्लीन हो चुके हैं, बस वॉश, मतलब कि पानी से वॉश करना है, तो उसको मैं बस वॉश कर करके, मैंने हाथ में कैमरा ले रखा है इसलिए देखिए हिल भी रहा होगा, क्योंकि फोकस तभी हो पाता है जब हाथ में, मतलब कोई और बनाए ना तो ज़्यादा अच्छे से वीडियो बन पाती है, मुझे ऐसा लगता है। ट्राईपॉड वगैरह पर लगा के सिर्फ एक ही जगह फोकस हो सकता है, तो मैंने ट्राई किया कुछ अलग करने का, मैंने कहा मैं अपने हाथ में ही ले करके बना के देखती हूँ। तो बस यहाँ देखिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे, और अच्छा बर्तन जब आप उस, मतलब कि सोप वगैरह से क्लीन करते हो, लिक्विड से क्लीन करते हो ना, तो तब तो दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है, और जब उसके बाद पानी से वॉश करने के लिए अगर लिक्विड से वॉश किया है ना, तो आप इस तरह से ही वॉश कर देते हो, तो मतलब वो क्लीन ही हो जा, मतलब क्लीन हो जाता है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं साबुन लगा रह जाएगा, क्योंकि हमने साबुन से क्लीन ही नहीं किया था। और ये देखिए बस यहाँ हमारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और ये वीडियो मेरी ना कुछ दिन पहले की रखी हुई थी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस ये देखिए अभी आगे आपसे बात करती हूँ मैं। यहाँ देखिए बस हमारे जो बर्तन हैं वो क्लीन हो चुके हैं, और मैं नहा करके भी आ चुकी हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, आलू वगैरह बॉयल करके गई थी, सब कुछ तैयारी खाने की करके गई थी, और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। मुझे लगता है कि 75% या 80% लोगों के फेवरेट होते ही हैं आलू के पराठे। और यहाँ जब कुछ समझ में नहीं आता है ना कि सब्ज़ी क्या बनानी है, तब फिर आलू के पराठे ही देखते हैं कि हाँ भाई कोई पराठा बना लो, प्याज का बना लो, पनीर का बना लो, आलू वगैरह का बना लो, जो कि आप दही से, चटनी से, अचार से, किसी से भी इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। और हाँ मैं आपको बताने वाली थी, ये देख लीजिए मैं पराठे किस तरह से बना रही हूँ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और मैं काफ़ी तरह से बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे इस तरह से ही बन जाते हैं, तो ये इजी वे रहता है, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। आगे मैं आपको डबल परत का भी बना के दिखाऊँगी कि डबल परत का भी बन जाता है ना, क्योंकि आलू थे बचे हुए तो मैंने बना के रख दिए थे, जितने भी पराठे 3-4 पराठे बन गए थे, तो मैंने 3-4 पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि आलू के पराठे ठंडे चाय से बहुत अच्छे लगते हैं, चाय वगैरह के साथ आप पियो तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि काफ़ी दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, होली के बाद, होली वाले दिन की मैंने वीडियो शेयर की थी,
और बोला भी था कि अब मैं कंटिन्यू बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। देखिए कई बार ना लाइफ में इंसान कुछ सोचता नहीं है और वो चीज़ें हो जाती है ना, तो बस वही चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो और ये देखिए पराठे में कितना अच्छा कलर आ गया है ना, और बस इसी तरह से पराठे अच्छे लगते हैं, लाल लाल सिके हुए, करारे करारे, क्रिस्पी। और कुछ लोगों को सॉफ्ट भी अच्छे लगते हैं, बस अगर गर्म खा रहे हो ना तो पराठा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। तो बस वही बन जाएगा और फिर मैं बनाने के बाद खा लूँगी। और अच्छा हाँ, अपनी बात पे वापस आती हूँ। तो हाँ, मेरी कोई भी वीडियोस नहीं आ रही थी, और उससे क्या होता है कि देखिए चैनल भी फिर पीछे रह जाता है। काफ़ी टाइम हो गया, 1 से 1.5 महीना मैं मानती हूँ कि मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, है ना। तो ये वीडियो मेरे पे रखी थी, मैंने कहा क्यों ना मेरी वीडियो रखी है, मैं इसको आज अपना अपलोड कर देती हूँ, एडिट करके, एडिट करना ही रह गया था। मैंने कहा वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि मैं अब आज से ही अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। आज ही वाली वीडियो मिलेगी आपको और कल मेरी आपको न्यू वीडियो मिलेगी, ठीक है। अभी मैं अपने घर पर आ चुकी थी मम्मी के यहाँ से। बस यार बहुत हुआ, कितने दिन मायके में रहेंगे, नहीं मन लगता ना। अब मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, अब बस अपने घर पे ही मन लगेगा, इसलिए ना बहुत हुआ यार। बस अब मायके में नहीं रहना मुझे, अब मुझे मेरे घर ही रहना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई परेशानी थी, बट बस अपना घर ही होता है, वो भी मेरा घर है। लेकिन शादी के बाद देखिए सारे काम मेरे यहीं पर हैं ना, बिना काम के ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। सारे काम मेरे यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, तो फिर मेरा मन भी तो ज़्यादा यहीं लगेगा, इसलिए। तो बस ये देखिए हमारे पराठे, ये देखिए मैं डबल पर्थ वाला भी पराठा बना रही हूँ। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अब से मैं कोशिश करूँगी इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ पता नहीं होता, कह तो देता है इंसान लेकिन कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी डेली वीडियोज़ आएँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आ चुकी हूँ तो मैं काम भी करती हूँ तो मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ। वहाँ क्या कोई काम नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा किचन में कुछ कुकिंग का काम हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाता ना, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाने से रह जाती थी, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता था। लेकिन यहाँ तो काम होते ही है ना, कुछ तो काम रहते ही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ अकेले में नहीं होते, है ना, लेकिन अब देखते हैं, है ना। और काफ़ी सारे काम मैंने अपने निपटा भी लिए हैं, वो काम भी मेरे करना मेरे को ज़रूरी था। और बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं सामने आकर, तो इस वीडियो में मैंने आपसे कहीं पर भी बात नहीं की है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि कुछ दिन पहले की वीडियो रखी है जो कि मैंने बनाई थी और मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट अब से कोशिश करूँगी कि मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर करूँ, अपने काम पे वापस लगूँ। बिज़ी रहने से ही माइंड फ्रेश रहता है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ मिले या ना मिले, है ना। चलिए फिर, आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और आलू के पराठों को ज़रूर बना के खाइएगा, ठीक है।